नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का मेरे इस चैनल एग्रीकल्चरल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप लोग किस प्रकार से एक स्वस्थ और अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग धान की पैदावार अधिक प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर स्वस्थ नर्सरी होगी तभी आप धान की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि सबसे पहले आपको अच्छी नर्सरी तैयार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जिस भी खेत का चुनाव करते हैं, जहां पर आपको नर्सरी डालना है, उस खेत को जून के महीने में जब प्रथम वर्षा हो तभी आपको कम से कम 2 से 3 बार उसको जुताई करके उस खेत की गर्मी को निकालना होगा, जिससे कि फसल अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके और बीज का जो अंकुरण आप खेत में डालते हैं वह नष्ट ना हो और वह पूरा का पूरा जमाव अच्छे से आ सके। तो आप लोग उसके लिए 2 से 3 बार जुताई अवश्य करें तथा जब आप नर्सरी के लिए खेत तैयार करें तो उसमें जुताई के बाद 100 मीटर चौड़ा और 800 मीटर लंबा खेत जो तैयार किए हैं उसमें आप लोग 500 ग्राम यूरिया तथा सिंगल सुपर फास्फेट को मिला करके खेत में अवश्य डालें। और जब भी आप बीज का अंकुरण के लिए बीज को डालें तो कम से कम 12 से 18 घंटे उसको पानी में भिगो करके रखें। उसके बाद उसको आप छान करके कहीं भी छांव वाली जगह पर रख दें और उसको जूट की बोरी से ढक दें और उस पर पानी डालते रहें, जिससे कि बीज पूरी तरह अंकुरित हो सके। जब बीज का पूरी तरह अंकुरण हो जाए तभी उसको आप खेत में डालें। अगर बीज का अंकुरण थोड़ा भी कम लगता है तो उसको आप लोग पानी डाल करके कुछ समय के लिए और रखें, क्योंकि अगर बीज का अंकुरण अच्छा होगा तभी वह पूरा का पूरा बीज आपका नर्सरी के लिए तैयार हो सकेगा। नहीं तो अगर उसमें बीज अंकुरित पूरा नहीं हुआ रहेगा तो वह बीज क्या होगा कि वह बीज आप खेतों में जाने के बाद पानी जब आप उसमें डालते हैं तो मुश्किल से 5 से 6 घंटे ही नर्सरी के खेत में पानी रुकता है, उसके बाद वह सूख जाता है। इससे क्या होता है कि जो उसमें जिसमें अंकुरण अच्छे से होता है वो बीज तो आपको जमा आ जाते हैं, लेकिन जिसका अंकुरण अच्छा नहीं होता है वो बीज वहीं खेतों में ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नर्सरी अगर अच्छी तैयार करनी है तो बीज का अंकुरण बढ़िया होना चाहिए। और बीज की नर्सरी को जब आप पानी में डालते हैं, भिगोते हैं, तो उसमें आप बीज शोधन की दवा का यूज जरूर करें। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं कि उसमें जो सफेदा रोग लगता है या फिर जो और भी कई सारे रोग लगते हैं, इन सभी से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो बीज शोधन का उपयोग जरूर करें और इसके लिए आप UPL का साफ या फिर कार्बेंडाजीम दवा को 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर आप इसमें 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से थीरम का भी यूज कर सकते हैं बीज शोधन के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें नर्सरी जो आप डाल देते हैं तो उसमें जो खरपतवार लगते हैं उसके लिए आप लोग क्या करें। तो खरपतवार के लिए आप लोग 10 ग्राम नामनी गोल्ड को प्रति 1 टंकी पानी में मिला करके इसका फोलियर स्प्रे करें, जिससे जो भी खरपतवार है वो आपके नष्ट हो जाएंगे। इसको आपको डालना है 10 दिन से 15 दिन के बीच में, क्योंकि जो भी खरपतवार होते हैं वह 10 दिनों के बाद 2 से 3 पत्ती के हो जाते हैं। तो इसको आप लोग 10 से 15 दिन के बीच में ही इसका स्प्रे करें, जिससे कि जो भी खरपतवार है वो पूरी तरह नष्ट हो जाए। और रोपाई के लिए आप लोग 20 से 25 दिन के बीच की रोपाई जरूर कर दें, इससे सही टाइम फसलों को विकास करने के लिए मिल जाता है। इससे लेट ना करें, 20 से 25 दिन रोपाई के लिए एकदम सही टाइम होता है। अब बात करते हैं नर्सरी में कभी कभी उसमें कुछ थ्रिप्स व जो पत्ती चूसक कीड़े लगने लगते हैं, उसके लिए आप लोग इसमें क्लोरोफेरीफास 20% का यूज कर सकते हैं, जिससे इसमें जो कीड़े लगते हैं वो नष्ट हो जाएंगे और नर्सरी अच्छे से पैदावार नर्सरी अच्छी और स्वस्थ हो सके। किसान भाई, अब बात करेंगे जो नर्सरी में सफेदा रोग लगता है, इससे बचाव के लिए आप लोग क्या उपाय करें और इस समस्या को आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि यह आपकी नर्सरी में लग चुका है। तो इसको आप देखेंगे, जो नर्सरी की नई पत्तियां होती हैं वह अक्सर सफेद रंग की हो जाती हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी नर्सरी में सफेदा रोग लग चुका है। और यह लौह तत्व की कमी के कारण होता है, अर्थात पौधों में आयरन की कमी हो जाती है, जिसके बचाव के लिए आप लोग 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट तथा 20 किलोग्राम यूरिया और या फिर 2.5 किलोग्राम भुजा हुआ चूना लेकर के आप लोग प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में मिला करके फोलियर स्प्रे करें, जिससे आपकी नर्सरी से सफेदा रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।